दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव होता है जिसमें 30% वोटर्स अपना वोट नहीं डालते हैं, 20% वोट इनवैलिड हो जाते हैं। जो विनर कैंडिडेट है उसे वैलिड वोट का 64% मिलता है और वह 3136 वोट की मेजोरिटी से जीत जाता है। तो टोटल वोटर लिस्ट में जितने भी वोटर्स हैं उनकी संख्या हमें बतानी है। अब देखो, मान लेते हैं कि टोटल कितने थे, 100 थे, ठीक है, 100 वोटर्स थे, 100 में से 30% ने वोट नहीं डाला अपना, तो बचे कितने, 70 वोट, और इसमें से भी 20% अवैध यानी कि इनवैलिड हो गए, तो बचे कितने, 20% इनवैलिड हो गए तो बचे कितने, 80/100। अब देखो, एक को मिला 64%, अब इसको पूरे का 100 मानो, अगर एक को मिला 64% तो दूसरे को कितने मिला होगा, 36%, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई, 8 और 8 28%, यानी कि जो मेजोरिटी होगा 28% पे निकाली जाएगी। तो यहाँ पर देखो 28/100 और ये किसके बराबर है भाई, 3136 के बराबर है, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ से देखिए, देखो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर आप काटो तो यहाँ से भी 2 0 आपका 100 कट जाएगा यहाँ से, और ये 8 से मैं इसको कटना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, 18 के 24, 11 में 4 जाएगा 7, और 8 9 72, 8 2 16, 7 से कट जाएगा क्या, 7 5 35, 4 7 6 42, 7 से भी कट जाएगा, 7 5 35 और 7 6 42, और 28 2 56, कितना, 28 2 56, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, 2000, और कितना हो जाएगा आपका, 200 हो जाएगा सॉरी, और हमने टोटल वोट कितने माने थे, 100%, तो ये इसकी वैल्यू 200 आई, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20,000, ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा भाई। इसको आप ये समझो कि ये जो वैल्यू है ना, इसको हमने क्या मान के रखा था, 100% ही मान के रखा था ना, इसको हमने क्या मान के रखा था, 100%, और यहाँ पर जो वैल्यू है वो 1 की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20,000।